सो आज गुरु नानक साहब का जन्मदिन है और सारे संसार में मनाया जा रहा है वैसे। और आश्चर्य की बात है कि इतना हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम इतना पेपर में दिया और सब कुछ किया है। और उन्होंने सिर्फ सच की बात की, सच पे बोलते रहे, हमेशा कहा कि साहब सब जो है बाहर के आडंबर है। धर्म के बारे में कहा कि उपवास करना और तीर्थ यात्रा करना और इधर जाना उधर जाना, ये सब धर्म के आडंबर साफ साफ। और आपको सिर्फ अपने अंदर जो है उसको खोजना है, अपने अंदर जो है उसको स्थित करना। बार बार यही बात कहते रहे, उन्होंने कोई दूसरी बात कही ही नहीं। मतलब यहाँ तक है कि कोई भी रिचुअल की बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। पर उसके बाद जब तेग बहादुर जी आए तो उनका भी कहते हैं आज ही शहीदी दिन है, आज ही कल है उनका भी शहीदी दिन। तो वो भी उसी विचार के थे। पर जो लास्ट गुरु थे इनके, उन गुरु ने क्योंकि बुद्ध हो रहा था इसलिए सब बनाया कि आप कड़ा पहनिए, बाल रखिए, ये सब जो चीज़ें बनाई ये सब उन्होंने बनाई। पर गुरु नानक साहब ने तो सिर्फ स्पिरिट की बात करी, उनका बाकी सब चीज़ें बेकार है, बिल्कुल साफ साफ कहा। कोई अब पढ़ता ही नहीं उसे करे क्या, वो तो एक उंगली रखेंगे ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ तक आएंगे फिर वहाँ तक पहुँच के फिर वो उंगली रखेंगे, इस तरह से कोई पढ़ सकता है? अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए और उसको मनन किया जाए तो ये जो शब्द जाल है ये ख़त्म हो जाए। पर लोग सब उसी में फंसे हुए हैं। और इसी में जो सिख लोगों का तो देखिए अब क्या हाल है, कहीं नहीं, अंदर की खोज तो है ही नहीं उनके अंदर जो होना चाहिए। अंदर की खोज ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप सिख धर्म को फॉलो करें? और यही सीख है उनकी, और इसको वो कहते सीखी, अरे ये आपको हमने लिख दिया है, ये आप पढ़िए इसमें। और जितने बड़े बड़े उस वक़्त में उस ज़माने में हो गए थे, पहले भी और बाद में हुए, बड़े बड़े संत हुए, क्योंकि तो जानते ही थे कौन संत है कौन असंत है, उनके सबके कविताएं और ये सब उन्होंने अपने ग्रंथ सामने दी। इसलिए ग्रंथ साहब जो पूजनीय, क्योंकि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल जाने हुए थे उस वक्त में, माने हुए थे कि ये बड़े भारी गुरु हैं और इन्होंने बड़ा कार्य किया और जो स्पिरिचुअल है, उनको सबको संकलित कर दिया उन्होंने और उसमें रख दिया। यही सहयोग में हम करते हैं कि भाई हम किसी एक विशेष को नहीं मानते, सबका हम आदर करते हैं, सबका समागम करते हैं। ये उन्होंने उस वक्त किया। पर उस वक्त जो कहा लिखा वो सब शब्दों में ख़त्म हो गया, उससे आगे कोई गया नहीं। तो भी कभी ने लिखा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भाई, वही बात कि सब मूर्खों के तैयार किया उन्होंने। अब ना तो कोई लड़ाई हो रही नहीं, कुछ हो रहा तो ये पगड़ी रखने की ज़रूरत नहीं और कच्छे रखने की ज़रूरत नहीं और फलाने और क्या क्या होता उनका कंघी रखने की ज़रूरत नहीं और सब चीज़ें वो उसी तरह से करें। पर शराब पीते, शराब में उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और शराब को बहुत मना किया। जो आदमी अपनी चेतना की बात करेगा वो शराब को सपोर्ट ही नहीं कर सकते, और उधर शराब पीते, इधर ये सब करने का इसमें बड़े पर्टिकुलर है कि पगड़ी लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, एक क्लैन जैसे बनाना चाहते हैं और उस क्लैन में रहना चाहते हैं। और इसलिए ये सब करने से अंदर की बात जो कही वो कब होने वाली। सो इसी तरह से चलता रहा इन लोगों, पता नहीं कैसे दे हैव टेकन टू दिस काइंड ऑफ रिचुअलिज्म और देखो बाहर आ गए, बाह्य में आ गए, बाह्य से ही सब कुछ उनको समझ में आता है। अब इन लोगों को मोड़ना अपनी तरफ कोई कठिन काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही कहा है जो हम कर रहे हैं, उन्होंने किया नहीं, फ़र्क ये हमने किया है उन्होंने किया है। कहा है सहज समाधि लागू, कैसे? सो भी कहा है कि कुंडलिनी से होगा, ये भी कह दिया, पर कौन करेगा वो नहीं? तो रियलाइजेशन तो मेरे ख्याल से उन्होंने दिया ही नहीं किसी को, जहाँ तक कहते उनके दो शिष्य थे, उन दो शिष्यों को उन्होंने रियलाइजेशन दिया था। अब एक आदमी अगर दो शिष्यों को दे तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है? तो लोगों ने उनका जो बाह्य स्वरूप था उसको लेकर के वह शुरू कर, बड़े बड़े उसके बनाए,
आप तो देखते हैं कितने सारे मंदिर बनाए, क्या क्या बनाए, सब कुछ, उससे कोई फायदा नहीं, और मनुष्य कम बनाए, और जो बाकी बने हैं वो सरदार जी हैं, क्या बताएं इनको, किस तरह से समझाया जाए कि, पर अब सहज में आने लगे, ऐसा नहीं, मैं देखती हूँ तो बस 8-10 सहयोग आते ही हैं, क्योंकि जो कि सिख पगड़ी वगड़ी लगाए रहते, कुछ बगैर पगड़ी के आते हो तो मुझे पता नहीं, पर एक नामधारी सिख है, नामधारी हमें मानते हैं, वो लोग ज़्यादातर वहाँ पर है बैंकॉक में, तो वहाँ काफ़ी लोग आते, 50-60 नामधारी, वो सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं, तो उनका जो पता नहीं क्या है उनकी विशेषता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फॉलो करते हैं जो उन्होंने कहा हुआ। इसी तरह से धर्म में डाइवर्जेंस होते जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ जाके पहुँचे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, फायदा नहीं। और उन्होंने तो ये कहा है कि मैं मुसलमानों का पीर हूँ, साहब, और इनका गुरु हूँ हिंदुओं का, और उनका पीर हूँ, तो किसी समझ में तो आने वाली बात नहीं, जब तक आप पार नहीं होते आपके समझ में नहीं आए, और यही बात है, यही होना ज़रूरी था, पर उनका प्रिपरेशन था हमारे लिए, उन लोगों ने सब ने आपको प्रिपेयर किया, और अंत में हमारा काम ये कि उन्होंने जो कहा वो कर दें, वो करके दिखा, लेकिन यह दशा सबकी हुई है, समझ में नहीं आता कि कितने लोग ऐसी तरह से खो गए, कहाँ से कहाँ चले। हमारे यहाँ ज्ञानदेव की मैं बात बता रही थी कि ज्ञानदेव कितने बड़े हो गए, और वो नाथपंथी थे, और उन्होंने कुंडलिनी का लिखा भी, पर ज्ञानदेव के जो शिष्य हुए वो अपने को वारकरी कहलाते, और एक तमाशा है वो, इतनी बड़ी बड़ी दो छांझे हाथ में लेके कि उठाइए तो दोनों मिला के 1 किलो के होंगे, उसको कूटते कूटते जाते हैं पंडरीनाथ, पंडरपुर, और वो कपड़े उसको लखतर कहते हैं, मैंने जूट के कपड़े पहन के जाते हैं फटे हुए, मैंने बड़े सेक्रीफाइसिंग, और 1 महीना कूटते कूटते वहाँ पहुँचते, और रास्ते में तम्बाकू खाते रहते, ये वारकरी लोग। और फिर उन्होंने अब उसमें ऐसा संप्रदाय बनाया, उस संप्रदाय में क्या विशेषता है कि जैसे वो एक पालखी निकालते, ज्ञानदेव की पालखी, जिनके पास के जूते नहीं थे पैर के, तो उनकी पादुका उसमें रखते और वो लेकर के गांव-गांव जाते, अब जिस गांव जाते हैं वहाँ पालखी आई तो वो सब वहाँ खाना खाते, फिर दूसरे गांव गए फिर पालखी आई वहाँ खाना खाते, एक भीख मांगने का नया तरीका वहाँ बनाओ, तो इस तरह की चीज़ें। और तीसरा एक कि वो उनका जन्म हुआ था जहाँ आणंदी में, वो पुना के पास, बाद में वो गए थे आगे निवासे में हुआ उनका लास्ट डे, पर जहाँ पैदा हुए तो वहाँ औरतें एक पूरी कुंडी जिसमें कि वो लगी हुई है तुलसी लगी हुई है, और जो बिल्कुल मिट्टी से भरी हुई है, कम अज़ कम 3-4 शेर से कम नहीं हुई, उसको सर पे लेकर के आणंदी तक पैदल जाती, ये आँखों देखा हाल है, समझ में नहीं आता क्या करें। और बहुत से लोगों ने उनके नाम पर इतना पैसा बनाया, इतना नाम इतना गया, कुछ समझ में नहीं आता कैसे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि किसी भी आदमी का नाम ले लो पैसे बनाओ, और इसी तरह से इस उनका सारा जो कार्य था खत्म। इतना ही नहीं, एक साहब है वो ज्ञानदेव पे ये देते हैं बड़ा भारी लेक्चर विक्चर, वो बहुत पैसा बनाते हैं सिर्फ लेक्चर देते, अपने मन से जो चाहे बोलते रहते उनके बारे में, लोग अपना सुनते रहते, इस तरह की अंधश्रद्धा भरी हुई है सब लोग। और इसी तरह से गुरु नानक साहब के साथ भी हो गया, मैं देखती हूँ कि कोई जानता ही नहीं गुरु नानक साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, और यहाँ तक कि चंडीगढ़ बनाया, उन्होंने चंडी की बात करी है, हमारे आने की बात करी है, सब कुछ वर्णन किया हुआ है, कोई नहीं सुनता, कोई देखता भी नहीं। सो इसी तरह हरेक का हो जाता है, पर अब जो है जिसको पार हो गए वो पार हो गए, अब उनका ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो सत्य मिल गया है तो अब आप झूठ नहीं स्वीकार कर सकते, और इसमें से कुछ झूठ निकले भी तो ख़त्म हो जाए, अब इतने लोग पार हो गए हैं सारे संसार में कि अब कोई झूठ नहीं फैल सकता, हमने जो कहा वो टेप्ड है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, तो कोई उसको बदल नहीं सकता, इसीलिए मैंने किताब नहीं लिखी, क्योंकि टेप को तो सुनना पड़ता है,
पर जो किताब है उसे आप पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, देख रहे हैं, इससे बेहतर है मैंने कहा किताब कम लिखो, ज़्यादा जो है वो सुनने को कहो, सुन सुन के खोपड़ी में जाएगा, नहीं तो पढ़ने में बस मनोरंजन हो रहा, पढ़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा। और जब अब देखते हैं क्या सहयोग का हाल होने वाला है आगे, मुझे समझ नहीं आता कि अब तो नहीं बिगड़ सकते, अब एक हद तक पहुंच गए अब नहीं बिगड़ सकते, ऐसा मेरा विश्वास है, और गलत काम नहीं करना फिर। यही एक इनकी जीवनी से सीखना है कि गुरु नानक क्या कह गए, किताब पे किताब लिख गए, गुरुवाणी पढ़ी है तो सारे जब यही कहा कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, और लोग कर क्या रहे। लेकिन सहज में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको सबको पका लिया मैंने, अब तो नहीं अब बदल सकते, अब लोग चाहे तो भी कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो। और कितना अपमान है उनका, और कितने उन्होंने तकलीफें झेली, कितनी विपत्ति में रहे वो करके सब किया, पर जागृति नहीं थी। ये पॉइंट आज हम कह रहे थे आपसे कि जागृति नहीं थी, अनुभूति नहीं हुई, तो अब फिर उसके बाद आप जो भी करना चाहो जैसे कि वैसे, सिर्फ आप किसी का नाम लीजिए उस किताब पढ़ी तो थोड़ी बदल होने वाला, जागृति हो सकता। और यही इनके से एक लेसन सबको लेना चाहिए कि हम इस तरह से गलत रास्ते पर नहीं जाए, या हम कोई अलग धारणा ना, ये बहुत ज़रूरी। हम जो है हम सहयोगी हैं, इतना विशद रूप से सहयोग समझते हैं, गहन समझते हैं कि अब इससे कोई और चीज़ निकालने की ज़रूरत है। अभी भी एक आध दो होते हैं कि ऐसा है तो ये करो वो करो, सब बेकार की बात है, बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको कि एक तरह का झूठा ही व्यवहार है, वो सच्चाई कुछ नहीं कि आप इसको इधर पाने को इधर रखो तो उधर रखो तो रखो, इससे कोई ऐसा हमने कभी कहा ही नहीं आज, जो चीज़ कही ही नहीं वो कर रहे हैं। पर अब ऐसा है कि वो कान से सुनेंगे तो पता चलेगा, वो तो कान से तो जाएगा ना सर में, चाहे पढ़ने से ना जाए, समझेंगे कि ये नहीं कहा हमारे, जो नहीं कहा नहीं कहा, आप क्यों करते हो ऐसे, पर वो पुराने संस्कारों की वजह से, उससे भी होता है जो पुराने संस्कार है तो दूसरा कि हमारा जन्म इसमें हुआ तो वैसे हम चले, ये जब तक नहीं छूटता है तब तक सहज का असली रूप उतरता है। और आपको तो स्पेशल बनाया हमने, स्पेशल लोग आया, स्पेशल धर्म आप जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, जागृति आप कर सकते हैं, सब आज समझ सकते हैं, तो आप तो संपूर्ण हो गए। अब इसके बाद बिगड़ने की क्या बात है, बिगड़ ही नहीं सकते। तो इस पर मुझे आज यही विचार आया कि गुरु नानक साहब कितनी मेहनत विकास सहन किया, और वाइफ भी उनकी ठीक नहीं थी, बहुत परेशान रहे, और करके जो उन्होंने बनाया तो उसका क्या हाल है आज, ऐसे ईसा मसीह का ऐसे सबका हाल है, मोहम्मद साहब का यही हाल है, सबसे ज़्यादा गुरु नानक साहब की उम्र होता है क्योंकि वो सबसे लास्ट आए थे और बहुत समझाया सब कुछ किया। उसके बाद साईनाथ आए, साईनाथ कहते थे कोई ज़रूरत नहीं, सब बेकार, साफ कह दिया कि आपने कुछ चीज़ शुरू कर दी तो सब लोग खराब हो जाते, क्योंकि जागृति नहीं दी। जागृति के बाद बात और है, सब एक हो जाते हैं, सब समझदार हो जाते हैं, उसके बगैर बहुत मुश्किल काम। तो उन्होंने तो किया ही नहीं ऐसे, उनको कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया, लोगों को जोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं, उनके शिष्य हो गए बस ऐसे, और हमने भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कुछ नहीं, पर पार होने पे ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जैसे शरीर है इसके सारे अंग प्रत्यंग ऑर्गेनाइज थे अपने आप, उसी तरह से कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। सबका आपको अनंत आशीर्वाद है, और ये ध्यान रखना है कि हमने जो पाया है उसको विकृत नहीं करना, इससे बढ़ के और पाप कोई नहीं, उसको विकृत नहीं करना किसी भी वजह से, विकृति नहीं आनी चाहिए। अनंत आशीर्वाद।